सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। इसका मकसद क्या है, तो आप कम से कम टाइम में पूरा चैप्टर का रिवीजन कर पाओ। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पूरी एनसीईआरटी से मैं आपको बताने वाला हूं। और इसमें सबसे खास बात होती है कि मैं इसमें हाईलाइटर का यूज करता हूँ। इसमें दो तरह के हाईलाइटर्स यूज होते हैं, एक तो रेड हाईलाइटर, जिससे वो चीजों को मैं अंडरलाइन करता हूँ जो चीज एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दूसरा येलो हाईलाइटर से वो चीजों को मैं अंडरलाइन करता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस बनती है, जो अभी तक नहीं पूछी गई है और जिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये बातें मुझे आपसे पहले करनी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले तो बात आती है रुडोल्फ वर्चो की। वो स्टेटमेंट आपने सुना होगा, ओमनी सेलुला इस सेलुला, मीन जो नए सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से आते हैं, मीन एवरी सेल इज ड्राइव फ्रॉम अ सेल। तो फिर क्या था, रुडोल्फ वर्चो के इस स्टेटमेंट के बाद, ये सजेशन के बाद, और भी नए रिसर्च बायोलॉजी में होते गए। फिर क्या था, फिर फ्लेमिंग ने माइटोसिस दिया, फार्मर और बोने ने मियोसिस दिया। तो ये शानदार है, फिर दौर चलता गया, इस पे रिसर्चेज कई बार हुई, तब ये जाकर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की जो बातें हम पढ़ेंगे इसमें वो चीज सामने आई। तो सबसे पहले सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किसी भी सेल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसा कि हमने द लिविंग वर्ल्ड में भी बात किया था, इसके आगे जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं वही बताऊंगा आगे। कोई भी सिंगल सेल है, कोई भी लार्ज ऑर्गेनिज्म है, वो सिंगल सेल से ही बना है। इसके आगे सेल साइकिल की अगर हम बात करें, तो सेल साइकिल एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें कि सेल का डिवीजन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल का ग्रोथ होता है। जितने भी प्रोसेस है सब कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं कि डिवीजन करेक्ट हो, क्योंकि उनमें जो इंटैक्ट मीन्स एज सच जो जीनोम है उनमें इंटैक्ट रहे, एज सच जीनोम जैसा पहले थे, मीन्स पेरेंट सेल में जैसे थे वैसे ही वो प्रोजेनी के सेल में हो। तो ये बातें हैं, ये सेल साइकिल आप समझ चुके होंगे। मीन्स टोटल इवेंट्स की सीरीज चलती है इसमें, जिसमें सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को, और इसके अंदर सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको वो सिंथेसाइज करने का काम करता है, और दो डॉटर सेल्स में वो जाकर डिवाइड होता है। तो इसको सेल साइकिल हम बोलते हैं। सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का हमेशा इंक्रीज होता रहता है। जनरली यूकैरियोटिक सेल डिवीजन जो होती है उसमें कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो का काम चलता है, और सेल जो डिवीजन है अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे में होता रहता है, और ईस्ट जो कि 90 मिनट करता है। तो जेनेटिक कंट्रोल ये बातें हमने देख ली हैं। आगे की ओर हम बढ़े तो ये हमारा एनसीईआरटी, और इसके अलावा एनसीईआरटी में कई चेंजेस भी हुए हैं जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो एनसीईआरटी के डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये पहले ये डायग्राम दूसरी डायग्राम थी, तो इस डायग्राम को बिल्कुल चेंज किया गया है। इसमें थोड़े कलर चेंज किए हुए हैं पूरे के पूरे, और इसमें जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज, ये थोड़ा पहले था, ये यहाँ पर ये मूवमेंट शिफ्ट था, तो इसको थोड़ा शिफ्ट किया गया है। तो ये सब कुछ चेंजेस हैं यहाँ पे बताया गया है। तो बात मैंने आपको बताई थी 24 घंटे ईस्ट 90 मिनट। आगे हम बात करें तो सेल साइकिल को दो बेसिक फेज में हम डिवाइड करते हैं, एक तो इंटर फेज होता है और एक एम फेज होता है। जैसा कि क्रेस्को सीरीज में भी मैंने आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा अब तक तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जैसा कि इंटर फेज, तो इंटर फेज एक रेस्टिंग स्टेज होता है, जिसमें 95% जो ड्यूरेशन है वो सेल अपना इंटर फेज में बिताता है, क्योंकि वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। क्योंकि जैसा कि हम मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है, और डिवीजन तो 3 घंटों में ही होना है, तो बिल्कुल यही मानकर चले आप, बिल्कुल ऐसा ही होता है। नेक्स्ट हमारा एम फेज, एम फेज जो है वो एक्चुअल फेज है डिवीजन का। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो ये सक्सेसिव फेज मैंने आपको बता ही दिया, 24 घंटे होते हैं जनरली, जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरफेज अपना 95% टाइम बिताता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से, और ये डायग्राम भी क्वेश्चन आ चुका है पहले, शायद 2009 में पूछा गया है ये डायग्राम, तो आप याद रखना। जितने भी रेट से मैंने किया अंडरलाइन, सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ज्यादातर वो नीट में ही आ चुके हैं और एम्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट, तो पहला जो प्रोसेस चलता है वो कैरियोकाइनेसिस का वो प्रोसेस होता है, और कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस चलता है। तो कैरियोकाइनेसिस को इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन भी बोला जाता है। इनडायरेक्ट किसको बोला जाता है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन है, और जो डायरेक्ट सेल डिवीजन है ए माइटोसिस, जो कि फास्टेस्ट सेल डिवीजन है, जो कि हमें नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में वो मेंशन नहीं है। इंटरफेज, रेस्टिंग फेज मैंने बता दिया, प्रिपरेशन चल रही है डिवीजन की। इंटरफेज में तीन आगे फेज आते हैं, एक तो जीवन का फेज आता है जिसको गैप वन बोला जाता है,
नेक्स्ट इज फेज, सिंथेसिस फेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जी टू फेज, जिसको गैप टू फेज हमने बोला। अब सब में देखेंगे हम लोग हो क्या रहा है, जी वन फेज में क्या हो रहा है, इस फेज में क्या हो रहा है, जी टू फेज में क्या हो रहा है, आगे की ओर हम बढ़े। तो जीवन के बारे में पहले आपको मैं बता दूं जीवन फेज में होता क्या है। तो पहली बात तो इंटरवल होता है माइटोसिस के बीच और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में, सिंथेसिस इसमें ही होता है डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसके बीच का एक इंटरवल होता है। सेल इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और कंटिन्यूअसली ग्रोज ये चलता रहता है, और ज्यादातर जो ऑर्गेनल है इसमें ही डुप्लीकेट होते हैं। तो ये थी जीवन के बारे में, ये आपको बात मैंने बता दी। नेक्स्ट है एस फेज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान से सुनना। एस फेज जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होना है, साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल का डुप्लीकेशन होना है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होना है, और सबसे खास जो क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो तो बिल्कुल सेम होंगे लेकिन डीएनए कंटेंट जो होगा वो बिल्कुल डबल हो जाता है। ये हमारी खास बात है इस फेज के बारे में जो यहाँ पर दे रखा है। हमेशा क्वेश्चन इससे पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, यहाँ से ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका तैयार होना चाहिए। क्रोमोसोम नंबर सेम लेकिन डीएनए कंटेंट हमारा डबल हो जाता है। आगे हम बात करें इन एनिमल सेल्स में एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल सेंट्रल डुप्लीकेट होते हैं जी टू फेज में, और सेल ग्रोथ कंटिन्यू होते हैं जी टू से। जी टू हमारे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जी टू में प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन तो ऐसे सारे में बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस सारे फेज में बनते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जी टू में दे रखा है तो हमें जी टू ही एग्जाम में लगाना है अगर क्वेश्चन आता है। अगर मैं इस पार्ट को डील करूं तो सबसे पहले अगर आप देखें कि हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स, तो सबसे पहली बात माइटोसिस है, माइटोसिस से ही ग्रो करते हैं। डू ऑल सेल्स इन अ प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम, तो नहीं, हमेशा डिवाइड नहीं करते रहते। डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो यस नो, क्योंकि डिवाइड तो नहीं करते। All cells continue to divide, नहीं, आपने देखा होगा meristematic cell भी होते हैं, permanent cell भी होते हैं। Next, can you tell the name and the location of the tissues having cells that divide all their life in higher plants? तो जी हाँ, जैसा कि meristem cells, जो meristematic cells होती, कहाँ होती हैं? Shoot के tip पे, root के tip पे। अगर आप नहीं पढ़े हैं अभी तक वो chapter anatomy, तो आप पढ़ सकते हैं जाकर anatomy of flowering plants, उसका मैंने quick revision series दिया है, within 30 minutes वो आप पढ़ सकते हैं। Next आगे हम बात करें, Do animals have similar meristematic tissues? तो no, similar meristematic tissues तो नहीं होते। तो ये चीज हमने क्लियर कर लिया है, आगे की ओर हम बढ़ें। अब एक पॉइंट तो बिल्कुल ये याद रखना, जो ओनियन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो ये 16 क्रोमोसोम होते हैं बिल्कुल ओनियन में, तो यह बिल्कुल पॉइंट याद रखना। और यहाँ पे सेम क्वेश्चन वही पूछ रखा है कि कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट जीवन, तो जीवन में कितना होगा, तो 16 क्रोमोसोम होंगे। आपको मैंने बताया ना क्रोमोसोम नंबर तो बिल्कुल सेम होंगे, तो आप ये बताओ आफ्टर एस फेज कितना होगा, तो बिल्कुल 16, ठीक। नेक्स्ट आल्सो व्हाट विल द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल्स एंड जीवन, जीवन में क्या होगा 2c, एस में क्या होगा आप खुद ही बताओ 4c, क्योंकि डबल हो जाता है। अगर आप यहां तक समझ चुके हैं तो बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आगे की ओर बढ़े, इक्वेशन द स्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। इक्वेशन द स्टेज वो स्टेज होता है जिसमें सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, मींस ग्रोथ क्यों करें, हमारी जरूरत ही नहीं है ग्रोथ करने की, तो ग्रोथ क्यों करें। हाँ, जब जरूरत होगी हम ग्रोथ करेंगे, इंजरी होगा, सेल की डेथ होगी, हम ग्रोथ करेंगे, तो ये कहना है क्वेसेंट स्टेज का, मींस रिक्वायरमेंट के आधार पे ग्रोथ होता है, तो ये क्वेसेंट स्टेज होता है। जैसा कि हार्ट सेल्स कभी इसमें डिविजन नहीं होती जरूरी, तो ये आप याद रखना बिल्कुल, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डोंट अपीयर टू एग्जिबिट डिविजन and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. तो ये हमारा था question the stage के बारे में। ये simple सी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, mitotic division वगैरह diploid cells में होती हैं, तो इनको somatic भी बोला जाता है, somatic cell division चल रही है। अब हमारा ये part M phase। तो M phase जो होता है, तो M phase सबसे most dramatic period, सबसे पहली बात, most ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा phase सबसे ज़्यादा dramatic period है, तो M phase। क्यों ऐसा है भाई ड्रामेटिक पीरियड, क्योंकि आप जब लेट प्रोफेज का स्टेज देखोगे तो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है, या कहें तो उसमें से गायब हो जाता है। आगे हम बात करें, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते, न्यूक्लियोलस नहीं होता लेट प्रोफेज में, लेकिन वहीं आप टीलोफेज में अगर देखते हो गॉल्जी बॉडी आ चुका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ चुका है, न्यूक्लियोलस आ चुका है, तो ऐसा क्या ड्रामा चल रहा है, तो इसको ड्रामेटिक पीरियड बोला जाता है क्योंकि यह ड्रामा चल रहा है। आगे की ओर जो M phase, मींस यहां M phase माइटोसिस को बोला जा रहा है, इक्वेशनल डिवीजन भी
उसे बोलते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें क्या चल रहा है, तो जनरली जो वर्चुअली तो जो कंपोनेंट है सेल के उसमें चेंजेस चल रही हैं, ठीक। तो आप ये याद रखना, आगे की ओर हम बात करें तो ये प्रोग्रेसिव, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है, ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। तो आप इसके बीच क्लियर कट लाइन नहीं बता सकते कि प्रोफेज कहां स्टार्ट हुआ और प्रोफेज के बाद कब से आया मेटाफेज, कब आया टेलोफेज, क्योंकि सेल डिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, आप यह नहीं बता सकते, ठीक है। आगे की ओर हम बात करें, ये चार स्टेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो पैमेट से आप याद रख सकते हो, मैट होता है, पीमेट से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये हमारा प्रोफेज सबसे पहला स्टेज है। अब एनसीईआरटी में करेक्शन क्या हुई, आप ये देखो, यहाँ कैरियोकाइनेसिस को जोड़ रखा है, क्योंकि वो क्लियर बताना चाहते हैं एनसीईआरटी कि जो पहला स्टेज होता है ना वो कैरियोकाइनेसिस होता है। तो माइटोसिस के पहले कैरियोकाइनेसिस लिखना ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस तो एक अलग स्टेज हो जाता है जिसके बारे में एनसीईआरटी ने अलग चर्चा की है। तो कैरियोकाइनेसिस को बीच में एनसीईआरटी का डालने का मतलब यही कि कैरियोकाइनेसिस पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो एस और जी टू के फेज का ये बीच का स्टेज होता है प्रोफेज, ठीक है। इंटरफेज के बाद का ये स्टेज है, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ें, ये तो हमारा अगला जो पार्ट है, अगला हम देखें तो प्रोफेज को आप मार्किंग कैसे करोगे कि प्रोफेज कब से स्टार्ट हुआ है। तो जब इनिशिएशन हो जाए कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, तो इसको बोलते हैं कि हाँ प्रोफेज अब स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम देखें तो इसमें और भी चीजें हैं प्रोफेज के बारे में, अगर एक बार में मैं सारा कुछ बता दूं तो आप क्लियर हो जाएगा। पहली चीज कि क्रोमेटिन मटेरियल जो होते हैं आपस में कंडेंस करने लगते हैं। दूसरी बात, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं। तीसरी बात, जो क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम के अंदर वो विजिबल हो जाते हैं। चौथी बात, इनिशिएशन हो जाती है माइक्रोट्यूबल्स की असेंबली की, जो एस्टर रेज वगैरह होते हैं उसकी। पांचवी बात, लास्ट बात, कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स थे, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब कुछ डिसअपीयर हो चुके हैं। ये बात थी प्रोफेज के बारे में। अब एनसीईआरटी में करेक्शन कहां हुई है, तो पहले तो ये पहला पॉइंट आपको देखने को था, जो कुछ मैंने बताया बिल्कुल सब वही है। ये सेकंड पॉइंट बिल्कुल नहीं था, ये नया पॉइंट इसमें जोड़ा गया है, जिसमें एस्टर वगैरह को बताया गया है, जो कि माइक्रोट्यूबल्स होते हैं जो रेडिएट कर जाते हैं पोल्स पे। तो ये आप याद रखना, यहाँ पे चेंजेस हुए हैं एनसीईआरटी में। अगर आप कहो तो ज्यादा से ज्यादा अगर कमेंट आता है, क्योंकि अभी तक बिल्कुल एक या दो कमेंट आए, लाइक्स भी बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि एनसीईआरटी पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए, तो अगर आप उस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हो तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 200-250 चेंजेस हुए हैं पूरे एनसीईआरटी में। अगर एक एक कर बताऊं मैं तो वो तो बताना मुश्किल है, लेकिन एक वीडियो में सारा कुछ क्लास 11 का एक और क्लास 12 का एक मैं बना सकता हूं, अगर ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट मिले तो। तो आगे हम देखते हैं, हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करें, हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने आपको बताया कि सारे कुछ इसमें गायब हो चुके हैं, डिसअपीयर हो चुके हैं, क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट हम देखें मेटाफेज। आप यहाँ पे स्टेज भी देख सकते हैं, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, सब कुछ टूट रहे हैं, यहाँ पे टूट चुके हैं। तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो चुका है न्यूक्लियर एनवेलप का मेटाफेज में। मेटाफेज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि जब सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है माइटोसिस का मेटाफेज, तो मेटाफेज में आपको क्या याद रखना है, उसमें कंडेंसेशन की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ कंडेंसेशन का कंप्लीशन हुआ, एंड हुआ यहाँ पे। यहाँ पे क्या है ना, क्रोमोसोम के स्टडी आप सबसे अच्छी कर सकते हो, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की, क्रोमोसोम के नंबर्स की यहाँ पे स्टडी आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली माइक्रोस्कोप के अंदर वो विजिबल होता है। आगे हम बात करें तो इसमें स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं काइनेटोकोर से, जो कि स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, अटैचमेंट का वो साइट होता है काइनेटोकोर। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्वेश्चंस पूछे गए। आगे की ओर हम बात करें, ये आप देख सकते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज आप यहाँ देख रहे हैं, और नीचे आपका ये मेटाफेज स्टेज है जहाँ इक्वेटोरियल प्लेट पे सब आ चुके हैं। इसमें आगे मैं बताऊं आपको, तो जो भी एनसीईआरटी में चेंजेस हुए हैं मैं आपको एक अलग से बना दूंगा, इसमें तो बताना मुश्किल है, हर जगह जहां हो सकेगा मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो मेटाफेज को कैरेक्टराइज हम कैसे करेंगे कि सब कुछ अगर इक्वेटर पे आ जाए ना, इक्वेटर पे देखिए जाना स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांजिशन टू मेटाफेज इस स्टेज को बोला जा रहा है। तो क्रोमोसोम जब इक्वेटर पे आ जाए तो समझे वो मेटाफेज का स्टेट है। जब डायग्राम पहचानने को आपको आएगा ना, तो इससे ही आप इसको रिकॉग्नाइज करो कि यहाँ पर आ चुके हैं इक्वेटर पे। आगे हम बात करें, ये आप वही देख रहे हैं, उसमें फीचर्स दे रखे हैं। खास बात क्या है ना एनसीईआरटी की, कि हर एक फेज के उसने 2 से 3 पॉइंट दे रखे हैं जो भी फीचर्स हैं उसके, ये पॉइंट पर गौर करेंगे आप। आगे हम बात करें एना फेज के बारे में, तो एना फेज में क्या होता है ना, सेंट्रोमेयर स्प्लिट करते हैं, इसमें एक
पॉइंट। दूसरी पॉइंट, जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तीसरी बात, क्रोमोजोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। ये हमारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे की ओर हम बात करें तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं बिल्कुल ये वही दोनों पॉइंट है, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकते हो। एना फेज में बिल्कुल इसमें सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर चुके हैं, क्रोमोजोम अपना पोल की तरफ मूव कर चुके हैं, तो इसमें आप ये दोनों पॉइंट याद रख सकते हैं। आगे की ओर हम बात करें टेलोफेज के बारे में, तो इसमें चेंजेस हुई है। पहले दे रखा था फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, तो अब दे रखा है फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर कट लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो एनाफेज में बिल्कुल हुआ क्या है मैंने आपको बता दिया है, तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं इसमें भी एनसीईआरटी में चेंजेस आई है। पहले यहाँ पे तीन पॉइंट तो थे, तो सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे चेंजेस आई है। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियर, पहले ये पॉइंट नहीं था, क्लियर लिख रखा है इसमें। नेक्स्ट हम बात करें साइटोकाइनेसिस के बारे में, तो साइटोकाइनेसिस तो आप जानते ही है, तो इसमें साइटोप्लाज्म में बीच में जाकर डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, तो सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है। दो तरह से होती है, एक तो एनिमल में भी होता है और एक प्लांट में भी होता है। अगर एनिमल में चल रहा है तो ये फरो मेथड से होता है, जो कि दे रखा है एनसीईआरटी में, ये फरो मेथड है हमारा। नेक्स्ट अगर प्लांट में हो रहा है तो प्लांट में सेल प्लेट मेथड से ये होता है। आप डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ पर, इंटरफेस फिर से स्टार्ट हो चुका है। और ये हमारा लास्ट लाइन, पहले बहुत ही पहले ये एएमयू में आया हुआ था, आज से 3-4 साल पहले, क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसमें नीट में इस बार, तो आप याद रखेंगे ये। इसमें होता क्या है कि जैसे एक तो स्टेज हमारा चल रहा है कि हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस आना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेज उसके बाद ना आए, फिर उसके बाद एक मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन आ जाए जिसको हम सिंसीशियम बोलते हैं। तो ऐसा होता है कोकोनट इंडोस्पर्म में, कोकोनट जो लिक्विड इंडोस्पर्म होता है उसके अंदर, उसमें ही ऐसा कुछ स्टेज होता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। और ये की भी चीज, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल्स, तो ये तो कॉमन चीज है, तो सबको होना ही है डिस्ट्रीब्यूट। आगे की ओर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर पहले सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहला तो सोमैटिक ग्रोथ में ये हेल्प करता है, इक्वेशनल डिवीजन इसको बोलते हैं। ये डिप्लॉयड सेल्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, हैप्लॉयड सेल्स में इसके नहीं होते। कुछ ऐसे हैं कि जैसे लोअर प्लांट्स, कुछ सोशल इंसेक्ट हैं जिनमें डिवीजन होता है माइटोसिस। इसके बाद जो भी आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को ये रखे हुए होता है, क्योंकि जितने पेरेंट्स में थे तो डॉटर में भी सेम टाइप के ही मिलते हैं और सेम नंबर के मिलते हैं क्रोमोसोम्स। ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसको मेंटेन करने का ये काम करता है। सेल रिपेयरिंग में काम करेगा, सेल रिपेयरिंग में कैसे ये काम कर रहा है, क्योंकि अगर अपर एपिडर्मिस अगर लेयर जो है वो गट का लाइनिंग जो है वो, क्योंकि इसमें हमेशा रिपेयरिंग चलती रहती है, और जैसा कि आप जानते हैं एपिकल और लैटरल कैम्बियम जो है वहां पे माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है ग्रोथ के। तो ये हमारा पार्ट था माइटोसिस के बारे में। अब हम आगे पहुंच चुके हैं मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस में सबसे पहले तो हम जानते हैं मियोसिस में जनरली होता क्या है। तो मियोसिस जनरली ये हैप्लॉइड सेल्स में होता है मियोसिस, तो ये आप पहला पॉइंट इसमें याद रखेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस के बारे में और मैं बताऊं, रिडक्शन डिवीजन इसको बोलते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जनरली रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये होता है। चौथा, ये चार सेल्स जनरली प्रोड्यूस करता है, क्रोमोसोम नंबर इसमें हाफ हो जाते हैं, इसलिए इनको रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है। डबल डिवीजन होता है, गैमेट फॉर्मेशन में होता है, और वेरिएशन इसमें से ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि जीन में एक्सचेंजिंग चलती रहती है। तो ये पार्ट आपका बिल्कुल कवर हो चुका है। आगे हम बात करें, कुछ की फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं वो आप देख लेंगे कि मियोसिस जो होता है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच पेयरिंग होती है रिकॉम्बिनेशन से, जो कि आप प्रोफेज फर्स्ट में समझ में आएगा। आगे हम बात करें तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बन ही चुके हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो आप आगे बात करें मियोसिस 1 के बारे में, तो ये मियोसिस 1 जो है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। मियोसिस 1, जैसा कि आपको मैंने क्रेस्को सीरीज में बहुत ही डिटेल में अच्छे से बता रखा है इसके बारे में, इसके बारे में मैंने डायग्राम भी बहुत अच्छे खासे दिखा रखे हैं इसमें, तो इसमें आप देख सकते हैं मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 जो होता है तो इसमें प्रोफेज फर्स्ट पहला चलता है, तो प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट म्यूटेंट डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर, बहुत ही लंबा चलता है। ये जो स्टेज आप देख रहे हैं बहुत ही लंबा चलता है, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स स्टेज भी ये होता है। तो प्रोफेज फर्स्ट में याद रखने वाली चीजें, 5 स्टेजेस इसमें बिल्कुल चलती हैं। तो 5 स्टेज के हमें नाम याद रखने हैं, तो इसका पहला लेटर एल है, तो लालू इसको याद रखेंगे लेप्टोटीन, जेड फॉर जायगोटीन, पी फॉर पैकेटीन,
डी फॉर डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस इसमें लास्ट में होता है। तो लालू जाए प्लेन से दीपिका दिखाए, ये बिल्कुल इसका यूनिवर्सल ट्रिक है, तो आप याद रखेंगे इसको। और ये सीक्वेंस अगर आपको याद है ना, बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पांच फेज आप यहाँ पे देख लिए। अब पहला जो स्टेज है वो लेप्टोटीन का स्टेज है। तो लेप्टोटीन के स्टेज में होता क्या है कि लेप्टोटीन के स्टेज में जो लाइट माइक्रोस्कोप के अगर आप अंदर देखते हो तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्रोमोसोम जनरली विजिबल देखने को दिखाई देगा। और इसमें जो कंपैक्शन की अगर बात करें तो कंपैक्शन जो है वो कंटिन्यू इसमें रहती है। तो ये बातें थी इसमें, तो आप ये याद रखना। और आगे हम बात करें सेकेंड स्टेज के बारे में, जायगोटीन के बारे में। तो जायगोटीन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और इस पेयरिंग को ही सिनेप्सिस बोला जाता है। आपको मैं खास बात बताऊं, अगर आपने प्रोफेज फर्स्ट कर लिया ना पूरे मियोसिस का, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे जितने आ चुके हैं। कुछ आपसे बचेगा जो मियोसिस सेकंड से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज एनाफेज से, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो यही से आते हैं। और यहाँ से लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, जायगोटीन में क्या होगा, तो सिनेप्सिस होगा, इसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, मीन्स इस तरह के स्टेजेस बनते हैं, फिर बीच में यहाँ से कनेक्शन होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। यही बाइवेलेंट एपियर होते हैं, टेट्राड चार क्रोमोसोम यहाँ पे क्लियरली देखने को आपको मिलेंगे। और टेट्राड कफ अच्छा विजिबल होता है, तो पैकेटिन स्टेज में सबसे ज्यादा अच्छा विजिबल होता है। इस पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इसका जायगोटीन का सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट, टेट्राड वगैरह, ठीक है। जो पहले टू स्टेज थे जो लेप्टोटीन और जायगोटीन काफी शॉर्ट होते हैं, ठीक। आगे हम बात करें पैकेटीन के बारे में, तो जो पैकेटीन होता है तो पैकेटीन में जो टेट्राइड है ये काफी अच्छा विजिबल होगा, दिखाई हमें अच्छे से देगा। और इसके बाद रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स इसमें मिलते हैं और यहीं पे आपको क्रॉसिंग ओवर चलेगी, जिसमें एक्सचेंजिंग होता है जेनेटिक मटेरियल का दो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेगमेंट के बीच। और क्रॉसिंग ओवर जो है एक एंजाइम मेडिटेड प्रोसेस है जिसमें रिकॉम्बिनेज इंपॉर्टेंट है, जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है वो इसमें काम करता है। तो आप याद रखेंगे रिकॉम्बिनेशन हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच, और ये पैकेटीन का जब एंड हुआ है तब ये स्टेज आई है यहाँ पे, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो बिगिनिंग होता है डिप्लोटीन का, तो जो सिप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था ना उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। आगे हम बात करेंगे काइजमाटा का फॉर्मेशन होता है, तो काइजमाटा का पूछा जाएगा फॉर्मेशन हुआ किसमें, डिप्लोटीन स्टेज में। काइजमाटा क्या है, एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो अगर कुछ वर्टेब्रेट की अगर बात करें तो उसमें डिप्लोटीन जो है लास्ट कुछ मंथ तक या लास्ट कुछ सालों तक भी चलता है। जो फाइनल स्टेज है मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट का वो डायाकाइनेसिस है। शुरुआत तो हुई थी लेप्टोटीन से, अंत होता है डायाकाइनेसिस से, जिसमें जो काइजमाटा बना था एक सेप्ट स्ट्रक्चर उसका टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। आगे हम बात करें मियोटिक स्पिंडल जो है इसमें असेंबल होते हैं, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो ये सब कुछ बातें हैं इसके बारे में। आगे हम बात करें मेटाफेज फर्स्ट, इसमें बिल्कुल वही इक्विटोरियल प्लेट पे आ जाएगा। नेक्स्ट बात तो हम जानते ही, यहाँ पर स्टेजेस देख ही रहे हैं, इक्विटोरियल प्लेट पे आ जाएगा, फिर पोस्ट पे जाने लगेंगे, फिर जाकर टेलोफेज लास्ट, जहां से कुछ फिर से आने का शुरुआत हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एनाफेज फर्स्ट के बारे में कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसमें सेपरेट होते और किनमें सिस्टर जो क्रोमेटिड होती है वो सेंट्रोमेयर से एसोसिएट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो एनाफेज फर्स्ट का यह स्टेज है, और ये डायड ऑफ सेल्स वगैरह देख ही रहे हैं आप। नेक्स्ट हम इसमें बात करें, ये सब सिंपल सी चीजें। नेक्स्ट हम मियोसिस सेकंड, जो मियोसिस सेकंड होता है बिल्कुल ये माइटोसिस की तरह होता है। मियोसिस सेकंड जो है ये हैप्लोइड सेल्स में चलता है और माइटोसिस जो कि डिप्लोइड में चलता है, बस अंतर यही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सब स्टेज बिल्कुल सेम है। और जहां तक बात है सिग्निफिकेंस की मियोसिस की, तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस काफी खास है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर का कंजर्वेशन करना चाहता है कि कुछ स्पेसिफिक जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहे, और क्रोमोसोम का जो नंबर है वो रिडक्शन हो जाता है हाफ से। तो अब याद रखेंगे वेरिएशन में भी काफी बढ़ावा देता है, क्योंकि एवोल्यूशन में वेरिएशन बहुत ही जरूरी है। अब वेरिएशन आते कहां से, क्योंकि मियोसिस से ही वेरिएशन आते हैं। तो इसका समरी आप एक बार पढ़ लेना, इतना रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, एक बार समरी का रिविजन कर लेना एनसीईआरटी का, कुछ समरी में भी आपको खास नया कंसेप्ट आपको पता चलेगा। तो ये समरी आप एक बार देख लेना क्विक रिविजन में, दो मिनट में आपका ये समरी हो जाएगा, पांच मिनट। तो ये कंप्लीट आपका हुआ सेल डिविजन, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन।